नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे टेक मसाला के एक और फ्रेश एपिसोड में। और लेके आया हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है आपके ट्वीट्स और दूंगा कुछ मसालेदार जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी लूं आपके ट्वीट्स को, मैं भी पढ़ूं आपके कमेंट्स को, तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं हैशटैग बोलो गुरुजी। कई बार कमेंट्स ट्वीट्स बहुत ज़्यादा होते, तो ऐसे में अगर मैं आपका पिक नहीं कर पाता हूं तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे जानबूझ के आपको पिक नहीं कर रहा हूं, रैंडमली जो सामने आता है उसको पिक कर लेता हूं। और यहां पे दोस्तों पहला ट्वीट है वो है राघवेंद्र का। गौरव भाई, शादी दुबई की लड़की से करोगे या फिर इंडियन लड़की से? प्लीज़ बताओ, आई लव यू ब्रो। राघवेंद्र झा भाई, आई लव यू टू, लेकिन शादी की बात अभी आप क्यों करते हो यार? अभी बहुत टाइम है, आगे चल के चैनल को आगे बढ़ाना है। 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन, मतलब अभी तो बहुत आगे है जर्नी बाकी। अभी कैसे आपको मिलेंगे बाद में यार रोजाना वीडियोस। दबायन पॉल बोलते हैं, गुरुजी आपके नोकिया 3310 में बैटरी लाइफ कितना देती है? दबायन भाई, बैटरी लाइफ चलती है करीब करीब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन, याद नहीं यार लास्ट टाइम उसको रिचार्ज कब किया था। शेखर मिश्रा, लास्ट में क्या हो जाता है गुरुजी को? शेखर भाई, लास्ट में जो है वो सोचता हूँ कि वीडियो जो है वो इतनी लंबी ना जाए, तो लाइक करवा दो, शेयर करवा दो, कमेंट करवा दो, सब्सक्राइब कर दो, सवाल सुझाव हो तो सब पूछ लो, सारा कुछ कर लो, और बस 10 सेकंड में खत्म कर दो लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। अनुज श्रीवास्तव, कैन साइट्स ऑफरिंग कूपन कोड्स बी ट्रस्टेड? जी अनुज भाई, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे चीटिंग कर रही है, वो सिर्फ जो अपना एफिलिएट का मार्जिन है उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ आपसे चीटिंग कर लेंगी, उल्टा आप उनको और फायदा पहुंचा रहे हो। तो सिंपल सा गेम है, आपका फायदा, उनका फायदा, सबका फायदा। SKP28, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट जियो बिल, इज इट रियल और फेक? कमेंट प्लीज टेक्निकल गुरुजी। SKP भाई, जो जियो का बिल है वो बिल्कुल फेक है, डेफिनेटली इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। बहुत सारे आपको मिलते हैं कि भैया बिल आ गया 20,000 का 25,000 का, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आने वाला है, फ्री में है यार, यूज करो बढ़िया 31 मार्च तक, बाद में आएगा अप्रैल फुल का ऑफर। रजत दास, गौरव जी, किसी फ्रेंड का सेल फोन नंबर से उसका लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है क्या? नहीं रजत भाई, पॉसिबल नहीं है कि आप फोन के नंबर से किसी की लोकेशन को ट्रैक कर लो। कुछ अगर ऐप्स आप यूज़ करते हो म्यूचुअली दोनों फ्रेंड्स मिलके, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में सिर्फ किसी का नंबर है और आप निकाल लो लोकेशन की वो अभी इस टाइम पे कहाँ बैठा है, इम्पॉसिबल है बेसिकली। अजमल शेख भाई, फेसबुक का ऑटो लाइक ऐप सेफ होता है या नहीं? अजमल भाई, इसको लेके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऑटो लाइक जो है वो कैसे काम करता है, आपको उसके लिए क्या जानना जरूरी है क्या नहीं, कैसे आपकी प्राइवेसी जो है वो चेंज हो जाती है ऑटो लाइक के चक्कर में। तो बने रहो और मत यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, सिंपल सा बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी फोटो पे 100 लाइक है 1,000 लाइक है, जो जेन्युइन होंगे वही अच्छी बात है, ऑटो लाइक वगैरह के चक्कर में मत पड़ो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्रतीक, आप एप्पल की बुराई करते रहते हो, एक्सपेंसिव है, फास्ट चार्जिंग नहीं है और एट द एंड आईफोन ही यूज़ कर रहे हो, ऐसा क्यों? भाई क्या करें प्रतीक भाई, को सब्सटीट्यूट नहीं है यार, कुछ मामलों में जो है वो आईफोन आपको देता है बेस्ट पॉसिबल चीज़ें। और बुराई इसलिए करता हूँ कि जिससे अगले वर्जन में क्या पता कुछ इंप्रूवमेंट निकल के आ जाए, वरना आपको यही जो है वो मिलता रहेगा और बस यूज़ करते रहो, बाद में वही खाया हुआ सेब आप। श्रेयम, यू रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद गीकी रंजीत, कैन वी सी मोर कोलैब्स इन फ्यूचर? श्रेयम भाई, बिल्कुल 2017 में जो ट्रेंड होने वाला है मेरी तरफ से वो यही है कि सबसे ज़्यादा कोलैब्स। मैं तो पहले भी कोशिश बहुत कर चुका हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे कुछ अच्छे नहीं रहे, तो मैं ओपन हूँ हमेशा कि कोलैब जो है ज़्यादातर करता हूँ, डिपेंड करता है कि म्यूचुअल जो है वो वेवलेंथ अगर मैच हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नाग तिलक सूरज, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि 1 मार्च से पहले आपको 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बिग ब्लो गुरुजी। नागतलक भाई, चलो लगाते हैं बेट, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 मार्च तो नहीं हो सकता यार, 1 मार्च तो उल्टा फरवरी में दिन भी आपके 28 ही आने वाले हैं, तो भाई कैसे काम चलेगा। हाँ 31 मार्च तक मैं सोचता हूँ कि क्या पता हो जाएंगे। हितेश ने बोला है कि वॉट मीन्स CES, MWC एक्सेट्रा, और आपकी ये कमाल की न्यूज़ कौन सी वेबसाइट से निकल कर आ रही होती है, प्लीज़ आंसर। हितेश भाई, CES का मतलब होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, MWC का मतलब होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दोनों ही जो है वो इवेंट्स हैं जो होते हैं साल में एक बार। CES होता है लास वेगस में, MWC होता है बार्सिलोना में, और जो न्यूज़ हैं वो निकल के आ रही होती हैं अलग अलग वेबसाइट से, कम से कम 20 से 25 वेबसाइट से जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, और वहाँ से आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं ला के आगे दे देता हूँ। सुबीर चौधरी, कौन कौन मेरा वाईफाई यूज़ कर रहा है और कैसे उसको कंट्रोल करें, इसके बारे में कुछ बोलिएगा। सुबीर भाई, बड़ा ही आसान है, आप सीधा अपने राउटर में लॉगिन कर लीजिए, वहाँ पे आप मैक एड्रेस से फ़िल्टर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इवन वो भी कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि आपका जो वाईफाई है वो किसने कितना यूज़ किया, क्या स्पीड मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो सारा काम एक बार अपने राउटर की सेटिंग्स में आप लॉगिन कीजिए, इसलिए आप राउटर में लॉगिन कीजिएगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको सारा जो है वो कंट्रोल मिल जाएगा। नितेश वर्मा, इतनी ठंड में भी हाफ स्लीव टी शर्ट पहनते हो, ठंड नहीं लगती क्या? भाई देखो, अभी भी हाफ स्लीव पहन के बैठा हूँ और अभी तो दुबई हूँ, हालांकि ठंड का मौसम यहाँ पे लाइक टाइम ठंड का है, लेकिन ठंड इतनी पड़ती नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया के अंदर ही मैं था, हैदराबाद था, और मतलब ट्रैवल कर रहा था तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती इतनी। और बाकी मेरे पास में मेरे चैनल वाली फुल टी शर्ट्स है भी नहीं, तो क्या करूँ यार, ऑप्शन ही नहीं है फुल पहनने का। ओके, प्रसून ठाकुर,
एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि इट कैन चेंज द वर्ल्ड, फिर वो क्यों किसी पिटी सेम आईफोन बार बार निकाल देते हैं? प्रसून भाई देखो, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत एप्पल की नहीं है, दिक्कत है आपकी कि आप उसका घिसा पिटा आईफोन हर बार खरीद लेते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, घिसा पिटा होता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बायर्स हैं जो खरीदते जा रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी है जो बढ़िया से आराम से बनाई जा रही है। किरू ने सवाल बोला है, काइंडली मेक लाइव स्ट्रीमिंग विद रियल काउंट सब्सक्राइबर्स टू सेलिब्रेट 1 मिलियन सब्स। ज़रूर मैं प्लान करता हूँ, और अगर उस टाइम पे इंडिया में रहा तो ज़रूर आपका ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे रियल टाइम जो है वो काउंट हम ला के रखते हैं। और अभी तो बहुत टाइम है यार 1 मिलियन का, अभी ऐसा नहीं है कल ही हो जाएगा। मैं प्लानिंग करता हूँ ज़रूर से, और आप सभी का प्यार रहा तो हम जल्दी एक दिन पहुँच लेंगे 10 लाख के पूरे टारगेट के ऊपर। हर्ष बोलते हैं, वाई मी मेक्स बेस्ट बजट फोन्स कंपेयर टू लावा एंड माइक्रोमैक्स, अगर ये भी बनाया तो इंडियन कंपनीज का कुछ नाम होगा। हर्ष भाई क्या करें यार, उनको चाहिए कि वो अच्छे से काम करें, और लावा और माइक्रोमैक्स को चाहिए कि बस वो पैसा छाप लें अपना जितना बना के, तो इसलिए आपको नहीं मिलते अच्छे फ़ोन उनकी तरफ से। मतलब एक विजन होना चाहिए यार, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, मतलब बस कुछ भी कचरा उठा के लपेट के वो दे देंगे डब्बे के अंदर, ये लो आपका बेस्ट फोन है, तो ऐसे ना काम चलता है। मतलब एटलीस्ट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल उस केस में कि हाँ आपको अपना नाम बनाना है तभी जाके होता है, वरना ऐसे तो लगे रहो भैया लावा लेमन माइक्रोमैक्स ब्लैकबेरी पता नहीं जो भी है। कुणाल गोला, गौरव भाई कभी हंस भी लिया करो भाई, हंसता ही रहता हूँ यार मैं तो शुरुआत के अंदर भी। चलिए शुरू करते हैं, हमें 33 लाइक आ गए, मतलब क्या 33 लोग क्या बोलते हैं भाई, हंसता रही हूँ मैं। पार्थ चौधरी, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन 1+3T एंड मोटो G4+, कौन सा लेना चाहिए, मुझे एटलीस्ट 2 साल चलाना है। पार्थ भाई आप ले लो नोकिया का 3310, पिछले करीब करीब 10-12 साल से तो फ़ोन को कुछ हुआ नहीं है, आगे भी चलता रहेगा। अब सीरियस नोट पे अगर आपको लेना है एक अच्छा फ़ोन तो आप डेफिनेटली 1+3T लो, वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। कुणाल गोयल, तारीफ भी कर ली, मसाला पोस्ट भी कर ली, स्टिल नो टोन STM, आप ही बता दो STM में आने के लिए कैसी पोस्ट करूं। देखो आपने पोस्ट कर दी और आप आ गए संडे टेक मसाला में। प्रताप सिंह गोहिल, गुरुजी आपके हर वीडियो में ब्लू टी शर्ट ही नज़र आता है, क्यों, या फिर आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है? भाई देखो अभी जो पहना है वो भी मैंने ब्लू ही पहना है एक तरीके से, तो ब्लू मेरा फेवरेट है, और ब्लू मतलब कैमरा के लिए ना सूट करता है बेसिकली, तो इसलिए मैं ब्लू पहनता हूँ। आगे चल के बेसिकली आपको वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन मेनली ब्लू जो है वो मेरी चॉइस रहेगी। सुजॉय मंडल, आई थिंक कंपनीज गेट हीलियो P10 फॉर फ्री, दैट्स व्हाई दे यूज इट। हो सकता है यार, एटलीस्ट मतलब जो कुछ कंपनी थे जो बिल्कुल मतलब ना गोद ले लिया है P10 को, तो उनको क्या पता फ्री में मिलता होगा, क्या पता कुछ डील हो गई होगी एक बार गलती से और बस फ्री का जो स्टॉक है वो मिलता जा रहा है उनको। अभिषेक त्रिपाठी, सर डोरेमोन देखते हो? जी अभिषेक भाई, डोरेमोन जो है वो मैं खुद तो नहीं देखता, लेकिन जो मेरा नेफ्यू साथ में देखता हूँ, डोरेमोन, सुनियो, नोबिता, जियान, शिजुका, वो सब मेरे को पता है। और यहाँ पे जो ये ट्वीट है ये किया है मोहम्मद सिद्दीक शेख ने, बोलते हैं, फाइनली गुरुजी इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब इंडिया पेज, कीप इट अप। फाइनली ऐसा हो गया कि एटलीस्ट ट्रेंडिंग में कुछ अच्छा आ गया, वरना तो आपको पता है कि क्या आता है ट्रेंडिंग में। नरोत्तम वत्स बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो ट्रेंडिंग मैकेट से पागल हो चुका है, कुछ भी ट्रेंड हो रहा है, सब जियो का कमाल है। भाई देखो अभी आप बोल रहे हो तो बोल रहे हो जियो का कमाल है, वरना अगर होते अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि इसके अंदर ही मोदी जी का हाथ है। अब देखो क्या होता है आगे चल के। फैजान अहमद बोलते हैं, भाई इतना रात तक तुम्हारा वीडियो देखने के लिए जग रहा हूँ, अब तो रिप्लाई कर दो। भाई देखो मतलब ये है ना बहुत कमाल की बात है, कल रात को मैंने वीडियो पोस्ट किया था रात को 2 बजे, तो उस टाइम पे भी आप सभी रेडी थे और वीडियो पोस्ट करते इंस्टेंटली लाइक्स वगैरह जो आप सबने कर दिया, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। और मेरे पास इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, रिप्लाई ना कर पाना मेरी मजबूरी है, लेकिन अगर मेरा बस से ले तो मैं आपको एक एक को पर्सनल रिप्लाई दूं, लेकिन चलो फिलहाल के लिए जो आपका कमेंट है वो मैं यहाँ पे आ ही चुका है सनेटेक मसाला में, तो आई होप कि आप सभी जो है मेरी बात समझ रहे होंगे। आशिक शेख, 2 मिनट 1000 व्यूज़, रियल टाइम 5000 व्यूज़ होगा, कैसे कर लेते हो मालिक? भाई क्या करें यार, वही बोला ना कि आप सभी का प्यार है जो आप वीडियोस को देखते हो, इतना रोज़ के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और आशिक शेख जो है ना खुद का अपना एक चैनल है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाओ सब्सक्राइब करो, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, बॉम्बे से हैं ये और काफ़ी यंग यूट्यूबर हैं। हितेश परमार, गुरुजी आप बार बार इंडिया आते हो लेकिन गुजरात क्यों नहीं आते, प्लीज़ कम टू गुजरात। भाई गुजरात आने का यार प्लान था मेरा सूरत आने का, लेकिन हो नहीं पाया, अभी अहमदाबाद का प्लान है। नेक्स्ट टाइम जो मेरा इंडिया का चक्कर लगने वाला है वो लगने वाला है फरवरी में, उसके बाद में होगा मार्च में, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर से मैं अहमदाबाद आऊँगा और उसके बाद में आप सभी से मिलता हूँ। करण पांडे, सर यूट्यूब यूट्यूबर्स को पैसे कैसे देता है, पेपैल पर या कोई और ट्रिक्स है? भाई कोई और ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है यार, जो यूट्यूब है वो आपको देता है, जो पेमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में, बेसिकली होता है वायर ट्रांसफर, और हर महीने जो है वो 21 तारीख को पेमेंट जो है रिलीज होता है एडसेंस से, और आपको बेसिकली 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाता है आपके अकाउंट में, यानी कि जो पिछले महीने की अर्निंग होती है वो आपको अगले महीने मिलती है करीब 22, 23, 24 तारीख के आसपास। मानव गुप्ता, गौरव भाई 100 mAh की बैटरी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में 1 घंटे 45 मिनट में चार्ज टाइम, वाई एंड 2000 mAh बैटरी 2 घंटे का चार्ज।
भाई देखो होता क्या है कि वो जो आपके एयरफोन्स हैं या कोई भी ऐसे जो छोटा डिवाइस है वो उतना करंट हैंडल नहीं कर रहा, इसलिए वो बहुत ही कम करंट लेता है और अपनी बैटरी को बहुत ही स्लो चार्ज करता है। जो आपका स्मार्टफोन है वो ज़्यादा करंट हैंडल कर सकता है, उसकी बैटरी बड़ी है, वो आराम से अपने उसको संभाल लेता है। आपके लैपटॉप्स के अंदर अगर आप बात करते हो तो बैटरी की जो कैपेसिटी वो कई बार 8,000 mAh होती है, फिर भी वो 2 घंटे फुल चार्ज होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सर्किट है वो कितना करंट वहाँ पर हैंडल कर रहा है। आकाश शर्मा, गुरुजी टेक न्यूज़ की वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया करो, जब तक टेक न्यूज़ नहीं देखते पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे भाई पढ़ाई ज़रूरी है, टेक न्यूज़ तो आती रहेगी। वीडियोस जो है वो यार कभी बीच में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कभी होटल में होता हूँ, कभी वाईफाई स्लो है, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती, टाइम लग जाता, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ कि आपको रात को 9-10 बजे तक जो है वीडियो में पोस्ट करके दे दिया करूँगा। मुकेश सिन्हा, क्या आपको लगता है कि पतंजलि मोबाइल मार्केट में आएगा? अगर आए तो स्पेक्स बता देना। भाई वो आएगा कीटाणु रहित, शुद्ध स्वदेशी कुछ तो निकालेगा बाबा जी। फ़ोन आपकी मसाज भी कर देगा, फ़ोन जो है उसमें से आप सुबह रोज़ हर्बल चाय पी लोगे, पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, देखो क्या पता, कुछ तो आना चाहिए। डेविल्स अथॉरिटी, गुरुजी फ्रीडम 251 का गिव अवे प्लीज़। भाई फ्रीडम वाले जो है वो कंपनी छोड़ के भाग चुके हैं, गोयल साहब जो है उनके पास से पैसे नहीं बचे हैं, 2 करोड़ का उनके ऊपर केस हो चुका है चेक बाउंस का, तो भाई अब गिव अवे कहाँ से लेके आएँ। कुछ तो कोशिश करेंगे आगे चल के, क्या पता कहीं से निकल के आ जाए। आलोक राज, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन। आप जानबूझकर ऐसा टोन निकालते हो या नेचुरल है? बाय द वे लव दिस टोन एंड चैनल टू, लव यू। अरे भाई नेचुरल है यार, वो एक्चुअली हंसी के अंदर ना साथ में ऐसी आवाज़ निकलती है तो आपको लगता है कि कई बार बनावटी है, लेकिन वो जो निकलता है वो मतलब इम्प्रॉम्प्टू है और कभी भी बुलवा लो ऐसे निकलता है। मौलिक पंचाल, अगर आप टेक्निकल यूट्यूबर ना होते तो कैसे यूट्यूबर होते? टेक्निकल गुरुजी, टूरिस्ट गुरुजी या लाइक दैट? भाई अगर मैं टेक्निकल यूट्यूबर ना होता तो मैं शायद यूट्यूबर होता ही नहीं। कोशिश की थी कि टेक वीडियोज़ बनाऊंगा और वही आज चल के पॉपुलर हो रही है तो वही मैं बनाता हूँ, उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है जो मैं शायद कर पाता, या क्या पता कुछ और होता तो मैं या टेक ही करता, या टेक के अलावा तो मैं क्या करता, मे बी मैं बाइक्स का या कार्स का कुछ रिव्यू वगैरह आपको देता करके, इसके अलावा तो कुछ और ऑप्शन नहीं है। स्वप्निल गौतम, शुक्र है भगवान का गुरुजी ने धीरे बोलना सीख लिया। अरे यार क्या हुआ सुबह की वीडियो में कि एको बहुत ज़्यादा आ रहा था और जितना तेज़ बोलता उतना तेज़ एको आता, इसलिए मैंने बहुत ही स्लो बहुत ही धीरे धीरे बोला कि भाई आराम से बोलता हूँ, एको थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एको को तो हमने कंट्रोल किया नहीं अभी, लेकिन देखो ना कितना तेज़ बोल रहा हूँ आपके सामने। अंकित शर्मा, गुरुजी करियर काउंसलिंग की वीडियो कब बना रहे हो? भाई करियर काउंसलिंग की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी बनाऊंगा, 32 लाइक आए हैं, इसका मतलब आप सभी की डिमांड है, और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ एक सलाह दूं कि 10th के बाद 12th के बाद आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शायद आपको आपके करियर में आगे कुछ और अच्छा फ़ायदा मिले। राहुल प्रसाद, क्या ब्लड प्रेशर लेवल शुगर लेवल बताने वाले ऐप रियल डेटा शो करते हैं? राहुल भाई ऐसी कोई भी ऐप नहीं है जहां से आप बीपी को और शुगर लेवल को नाप सकें, इसके लिए आपको डेफिनेटली एक सेंसर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर से पैसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा जो भी ऐप है वो कम्प्लीटली फेक है, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। फजल शेख, गुरुजी आप ओप्पो और वीवो के बारे में क्यों नहीं बताते? ओप्पो और वीवो दोनों ट्रेंड सेटर बन गए हैं, ट्रेंड सेटर ब्रांड है, ओप्पो F1S में 16 मेगापिक्सल और वीवो में 20 मेगापिक्सल। भाई अगर ओप्पो और वीवो जो है वो ट्रेंड सेटर है ना, तो मतलब एप्पल और सैमसंग को दुनिया से कर देना चाहिए बाय बाय। यार क्या मजाक कर रहे हो फजल भाई, यार मेगापिक्सल से कहाँ कुछ हुआ है जाके, वो रणवीर सिंह जो है वो ऐड कर रहे हैं 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, उनसे खुद से पूछो वो कौन सा फोन यूज़ करते हैं, आपको बता देंगे बाद में, आईफोन यूज़ करते होंगे, मे बी सैमसंग भी हो सकता है। सुयश सुनावने, क्या लिनोवो ने मोटरोलो को खा लिया है, क्योंकि मोटरोला M में स्नैपड्रैगन की जगह मीडियाटेक को यूज़ करके डिवाइस को स्लो कर दिया है? यार बिल्कुल ना समझ नहीं आता उसका यूज़ क्या था, मोटरोला मोटो M को इंडिया में लॉन्च करने का सेंस क्या था? मोटो G4 प्लस ऑलरेडी है, लिनोवो का जो P2 आ गया है वो एक अच्छा फ़ोन हो सकता है अगर आप कंपेयर करते हैं मोटो M से, वैसे मोटो M की ज़रूरत क्या है यार बीच में। नबील हसन, गौरव सर जैसे एक मोबाइल की बैटरी 3000 mAh नॉन रिन्यूएबल है तो क्या हम उसको 4000 mAh से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपकी बैटरी जो है वो रिमूवेबल है और अगर आपके फ़ोन के लिए बनती हैं तो आप ऐसा कर सकते थे पहले, लेकिन आज की डेट में नॉन रिमूवेबल बैटरी इम्पॉसिबल यार करना, इसीलिए आप वो लगा सकते हो जो आपको मिलता है ना एक्स्ट्रा केस बैटरी वाले, वो लगा सकते हो, बाकी रिप्लेस आप नहीं कर सकते बैटरी को। मयंक अग्रवाल, जियो का DTH कब तक आ जाएगा और अगर आपको शाओमी का CEO बना दे तो आप क्या करोगे? भाई जियो का DTH तो पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन अगर शाओमी का CEO बना देंगे ना तो अगले दिन से सभी फ़ोन्स में मैं आपको दूंगा गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, टूटे चाहे ना टूटे वो बात की बात है, कम से कम आपको शुरुआत में कुछ तो मिल रहा है, कम से कम कहने को कुछ तो है। भाई कोई भी फ़ोन लॉन्च कर दिया है मतलब जिक्र ही नहीं है भाई कि कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्शन यूज़ किया, तो फिर सेंस क्या बनता है? एटलीस्ट ये एक काम तो मैं करूँगा शाओमी का, और दूसरा जो है वो ये है कि प्रोडक्ट तभी लेके आऊँगा जब स्टॉक्स भरपूर होंगे और बाद में जितना लेना होता ले लो, ऐसी कोई वो नहीं है कि हफ्ते हफ्ते मैं आपको लटका लटका के 10-10 5-5 पीस देने वाला हूँ, वो तो नहीं करने वाला एटलीस्ट। राकेश कुमार, लाइफ का 1000-1500 का फ़ोन कब आएगा? भाई 1000-1500 का फ़ोन जो है ना उसको लेके कोई वीडियो बनाने वाला हूँ, ये बस रूमर्स थे और लोगों ने इसको ऐसा कर दिया कि भैया फ़ोन आ ही गए जैसे मान लो मार्केट में, रियलिटी क्या है उसको लेके हम एनालाइज करेंगे और आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगा बहुत ही जल्दी। सत्य,
5,000 सब्सक्राइबर्स से कमेंट कर रहा हूँ, कभी रिप्लाई नहीं करते। एक लाइक की कीमत तुम क्या जानो गौरव बाबू। जी सत्य भाई, एक लाइक की कीमत हम क्या जाने। हर वीडियो के सर का ताज होता है एक लाइक, हर यूट्यूबर के ऊपर नाज होता है एक लाइक, और हर वीडियो की सक्सेस का राज होता है एक लाइक। तो आप लाइक करते रहो और बाद में रिप्लाई मैं करता रहूँगा आपको। टेक ट्रिक्स, वॉट विल बी योर रिएक्शन वेन नंबर ऑफ जियो यूजर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यू हैव। भाई देखो, इसमें दो बातें हैं। अगर तो जियो यूजर्स घट गए 7 लाख, तो मतलब अम्बानी जी तो मतलब रोड पे आ गए। और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए 50 मिलियन, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब डिपेंड करता है कि आप इक्वल कैसे करते हो, मेरे को बढ़ा रहे हो उसको घटा रहे हो। बजाज शुभम, भाई तेरा जादू ऐसा है कि बस 3 मिनट में 800 व्यूज़, वो भी रात के 1 बजे। कमाल है, नमस्कार, हैट्स ऑफ, सब कुछ भाई तुम्हारा। बजाज शुभम भाई, सब कुछ आपका, बेसिकली मेरा कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियोस बना के आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो आप वीडियोस को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे आप वीडियोस देखते हो जग जग के, तो वो सभी मतलब कुछ वर्ड्स भी नहीं होते हैं कई बार बोलने के लिए, कि मुझे पता है कि जो है वो आप ही की वजह से है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जतिन मंगला, सर अपनी मूछें ऐसे कैसे रखते हो, क्या इसके लिए कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हो या फिर किसी सलून में शेप करवाया है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई कुछ शेप पे कुछ नहीं करवाया यार, जो है वो नेचुरल है, और थोड़ा सा हाथ से घुमाता हूँ तो अपने आप ऐसी बन जाती हैं। अभी प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी ट्रिमिंग करवाऊंगा, क्या पता आपको आगे चल के मुझे देखने को ना मिले अगले 15-20 दिन में। ब्रिजेश, डिसलाइक करने वाले देशद्रोही हैं, क्या कहते हो? मैं तो चलिए शुरू करते हैं, इसे पहले लाइक कर देता हूँ। भाई ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जहाँ तक बात है देशद्रोही की, तो वो देशद्रोही नहीं है, डिसलाइक करने वाले जो है वो टेक द्रोही है, ऐसा मैं कहता हूँ। अमित मिश्रा, वाह 2099 में बजट ईयरफोन, कुछ भी गुरुजी, बहुत होते हैं 2100 रुपये। अमित भाई बहुत होते हैं, लेकिन एक ब्लूटूथ ईयरफोन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये एक स्टार्टिंग प्राइस है, आपको इससे कम में अच्छा कुछ नहीं मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए जो बजट प्राइस है वो 1500-2000 रुपये होती है। भाई इससे नीचे वो क्या मिल जाएगा ब्लूटूथ के अंदर। मिस्टर एप्पल, बोलो गुरुजी, चलिए शेव करते हैं, ज़रूर जल्दी करते हैं। फंकी मुंडा, कभी सो भी लिया करो गुरुजी। अरे भाई क्या करें यार, नींद जो है मेरे को बहुत ही ऑड टाइम पे आती है, कभी कभी आती है सुबह 4 बजे, कभी सुबह 5 बजे, कभी दिन में 11 बजे, तो बस चल रहा है ऐसे ही है यार, कभी मतलब अब क्या बताऊँ, जो चल रहा है वो चलने दो। दिवाकर सरकार, सर पढ़ना लिखने में मन नहीं लग रहा है, कुछ टिप दीजिए। दिवाकर भाई, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो सोचो समझो, जानो आगे बढ़ो लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे खाली बैठने से तो कैसे काम चलेगा। और अगर आप अभी छोटे हो तो पढ़ाई लिखाई को इग्नोर मत करो, आगे बढ़ो, तो ऐसे में ही आपका फ़ायदा हो जाएगा आगे चल के लाइफ में। और बाद में आपकी मर्जी हो भाई, पढ़ो लिखो मत करो, कुछ भी जो आपका काम है वो करो, लेकिन एटलीस्ट इनिशियल लेवल पर तो आपको कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, कुछ तो फॉर्मल एजुकेशन आपको चाहिएगी। और बस दोस्तों, ये थे आज के कुछ ट्वीट्स, कुछ कमेंट्स सिनेटेक मसाला के। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।